चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं, अपने एंटिसिपेटरी बेल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछला एपिसोड हमें बीच में रोकना पड़ा था बिकॉज माय लैपटॉप गॉट हैंग्ड, और तो इसको दोबारा से शुरू करते हैं। एंड अगेन द अदर प्रॉब्लम वॉज दैट माय बेरिक, द डिजिटल बेरिक दैट आई एम यूजिंग टू टीच यू, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। 438 उसमें पूरा नहीं दिया गया है, हालांकि मैंने उसको गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया था। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, तो इसलिए मैंने 438(1) के कुछ प्रोविजंस लिख लिए हैं पहले ही, और मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप प्लीज़ कृपया अपना बेरेक खोल लीजिए और अपने बेरेक से इन प्रोविजंस को कीजिए। तो अभी तक हमने एंटिसिपेटरी बेल के अलग अलग प्रोविजंस को देखा, अब हम ये देखेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल देते हुए कोर्ट किन किन पहलुओं को कंसिडर करेगा। देखिए, बेल की कंडीशंस के लिए हम पहले ही बहुत डिटेल में कंसिडरेशंस ऑफ बेल देख चुके हैं, लेकिन 438(1) सेक्शन 438 का सबसेक्शन 1 क्लियरली कुछ कंसिडरेशंस बता रहा है, तो आप अपने बेरेक में मार्क कीजिए, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहला कंसिडरेशन है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द अक्यूजेशन, कि अक्यूजेशन का नेचर कैसा है और वो कितना संगीन आरोप लगाया जा रहा है। बेसिकली एक्यूजेशन के अगेंस्ट ही तो हम एंटिसिपेटरी बेल मांगने के लिए हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन गए हैं, तो एक्यूजेशन का लेवल देखेंगे, ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन देखेंगे। दूसरा पहलू जो देखा जाएगा वो एंटीसिडेंट्स, कि भैया पुराना रिकॉर्ड कैसा है एप्लीकेंट का, और खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि क्या कोई प्रीवियस कन्विक्शन तो नहीं हुई है ना उसकी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा उसके भागने या उस हाँ जी उसके भागने के एब्सकॉन्ड करने के फ्ली करने के कितनी प्रॉबिबिलिटीज, अगर उसके भागने की प्रॉबिबिलिटी होगी तो एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी, ऐसे ही अगर उसके एंटीसिडेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी। और जो चौथा पॉइंट है जो 438(1) में दिया गया है वो ये है कि ये देखा जाएगा कि क्या अक्यूजेशन सिर्फ उसको इंजर और ह्यूमिलेट करने के लिए किए गए हैं ताकि उसका अरेस्ट हो जाए जिससे वो इंजर या ह्यूमिलेट हो जाए। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल का मेन फंडा क्या है और क्यों ये 41st लॉ कमीशन ने इसे रिकमेंड किया और क्यों हम 1973 में इसको लेके आया, ये पहले मुझे पहले एपिसोड में बता देना चाहिए था लेकिन ये स्किप हो गया, तो मैं अब आपको बता देता हूं। देखिए, लॉ कमीशन को लगा कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि मिस्टर ए हैं और वो बी को परेशान करना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर झूठे एक्यूजेशन लगा देंगे। उन झूठे एक्यूजेशन के कारण क्या होगा, FIR रजिस्टर होगी और बी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और बी के अरेस्ट से उसका ह्यूमिलेशन होगा, उसको इंजरी होगी, मेंटल फिजिकल इंजरी, और उसको नुकसान होगा। तो ऐसे केसेस में बी के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन हो जहां पर अक्यूजेशन में दम नहीं है, अक्यूजेशन स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे केसेस में बी को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लेके आए थे एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। कलर चेंज कर लो भैया, ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट। तो जो पॉइंट नंबर 4 है वो यही बात कह रहा है कि वो अक्यूजेशन को देखें और अक्यूजेशन से आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि अक्यूजेशन ऐसा तो नहीं है कि उसका पर्पज सिर्फ ये हो कि जो एप्लीकेंट है वो अरेस्ट हो जाए, उस अरेस्ट से उसको इंजरी या ह्यूमिलेशन हो, ठीक है। तो ये चार कंसिडरेशन है जो कोर्ट कंसिडर करेगा वाइल डिसाइडिंग ऑन एंटिसिपेटरी बेल। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये कहता है कि कंडीशंस, किन किन कंडीशंस पे एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी, ठीक है। तो आप बेरेक्ट खोलिए और आप निकालिए अपना प्रोविजन 438 का प्रोविजन, मैं बताता हूं आपको, 2, 438 सबसेक्शन 2। देखिए, 438 सबसेक्शन 2 में क्या है कि आपको कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, जो कंडीशंस आप लगाएंगे जब भी आप किसी को एंटिसिपेटरी बेल देते हैं तो आप बेरेक से कर लीजिए। कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। पहली बात है यार, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को करनी पड़ेगी ना, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को सवाल पूछने पड़ेंगे, तो भैया उस इंटरोगेशन के लिए जब भी पुलिस आपको बुलाए तो आप इंटरोगेशन के लिए जाएंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा, आप इसमें कमी नहीं छोड़ेंगे। तो यह पहली कंडीशन है एंटिसिपेटरी बेल की, जब आपको बेल मिलेगी तो ये कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जाएंगी। दूसरी बात है कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट। आप कोई भी किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं करेंगे किसको, विटनेस को, ठीक है।
चलिए दूसरी कंडीशन हो गई आपकी। तीसरी कंडीशन पे आ जाइए, आप इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे, यू शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है स्टडी वीज़ा पे, घूमने के लिए, किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो पहले आपको उस कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी जिस कोर्ट ने आपको एंटिसिपेटरी बेल दी है, उसकी परमिशन के बिना आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकते। दिस इज द थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन के बारे में उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि भैया 437 के सब सेक्शन 3 में जो और कंडीशन है वो कंडीशन भी लगाई जा सकती हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप सेक्शन 437 की 3 में जाकर उन कंडीशंस को चेक करें कि कौन कौन सी कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है 437(3) के हिसाब से। तो इसमें अपना पॉइंट क्लियर हो गया कि अपने ऊपर चार कंडीशंस बेसिकली लग सकती हैं। पहली कंडीशन की आप इंटरोगेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे, दूसरी कंडीशन आप इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी भी तरीके का विटनेस को, तीसरी कंडीशन आप इंडिया छोड़कर नहीं जाएंगे, और चौथी वो सभी कंडीशन जो 437(3) में दी गई है। लेकिन इन सब कंडीशंस के बाद भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगर कोर्ट को उस पर्टिकुलर केस में लगता है कोई और कंडीशन लगाने के लिए, वो कंडीशन जो यहां पर नहीं दी गई है या 437(3) में भी नहीं दी गई है, तो भी कोर्ट वो कंडीशन लगा सकता है इफ द कोर्ट थिंक्स फिट। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखिए 2018 में अमेंडमेंट आता है और 2018 का अमेंडमेंट क्लोज 4 में ये कहता है कि भैया अगर इन इन ऑफेंसेस का एलिगेशन है तो एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट नहीं दे सकती। एक कंप्लीट बार लगा दिया गया कि अगर मामला इन इन ऑफेंसेस का है तो आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकता। 2018 में ऐड किया गया था, क्योंकि ये 2018 में ऐड किया गया तो प्रिलिम्स में इसके आने के काफी चांसेस हैं, तो प्लीज आप इसे देख लीजिए। 438 का 4 कहता है कि सेक्शन 376(3) का सब सेक्शन 376(AB) 376(DA) और 376(DB) इन सेक्शंस में अगर आपके ऊपर अक्यूजेशन है तो कोर्ट आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकता। 376(3) क्या है? यह है रेपिंग माइनर बिलो 16, 16 साल से छोटे माइनर बच्ची के साथ रेप, आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 376(AB) क्या है? रेप ऑफ ए माइनर बिलो 12 ईयर्स, बिल्कुल 12 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप, आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 376(DA) क्या है? गैंग रेप ऑफ ए माइनर बिलो 16, एंड 376(DB) है गैंग रेप विद ए माइनर बिलो 12। इन मामलों में अगर आपके ऊपर अक्यूजेशन है तो आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। ये प्रावधान सबसेक्शन 4 ये जोड़ा गया है 2018 के अमेंडमेंट से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कुछ समझने का नहीं था, दिस इज फैक्चुअल बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब आते हैं एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या है। वैसा मतलब नहीं जो अभी तक हम देखते आ रहे थे, इसका ग्राउंड पे मतलब क्या होगा। क्या एंटिसिपेटरी बेल, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एंटिसिपेटरी बेल आपको अरेस्ट से इम्यूनिटी दे देगी? देखिए मान लीजिए ए हैं, इनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है, तो क्या इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है? द क्वेश्चन इज दिस, अगर आप 438 ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी वो ये नहीं कह रहा कि अरेस्ट से इम्यूनिटी मिल जाएगी। नो, एंटिसिपेटरी बेल के बाद भी जिस व्यक्ति को एंटिसिपेटरी बेल मिली है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो भैया फिर रिलीफ क्या मिली है? रिलीफ ये मिली है कि जब भी उसे अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा अगर वो बेल देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर बात क्या है, देखिए इतना हम अभी तक समझते आए हैं कि एंटिसिपेटरी जो बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो हमें एंटिसिपेटरी बेल की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जैसे ही पुलिस हमें अरेस्ट करेगी हम अपना बेल दे देंगे और पुलिस हमें छोड़ देगी, तो हमें ज्यादा समय हवालात में या जेल में नहीं रहना पड़ा। दिक्कत हमें कहां पर आती है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है वहीं पर तो हमें ज्यादा समय जेल में रहना पड़ सकता है ना। तो एंटिसिपेटरी बेल का फंडा भी कहां पर आता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो देखिए क्या फायदा हो रहा है एंटिसिपेटरी बेल का, मैं आपको वो समझा रहा था।
जैसे ही आपको एंटिसिपेटरी बेल मिली, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बेलेबल ऑफेंस। कैसे? मैंने आपको बताया कि पुलिस आपको अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन जैसे ही पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, अगर आप बेल देने के लिए तैयार हैं तो पुलिस को, पुलिस शैल रिलीज यू ऑन बेल। अगर वो बेशक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही मिलेगी, बेशक वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तब भी पुलिस को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से हम ये कहें कि एंटिसिपेटरी बेल कन्वर्ट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस इनटू ए बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एंटिसिपेटरी बेल आपको अरेस्ट से इम्यूनिटी दे देता है, द आंसर इज नो। अरेस्ट तो आप फिर भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप हवालात या जेल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप उस पुलिस अधिकारी को बताएंगे कि मेरे पास एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर्स हैं, और जैसे ही आप उसे बताएंगे, दैट पुलिस ऑफिसर शैल रिलीज यू ऑन बेल। तो कुल मिलाकर बाय एंटिसिपेटरी बेल अ नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बेलेबल ऑफेंस। दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 438 का सबसेक्शन 3। तो कृपया आप एक बार 438 का सबसेक्शन 3 पढ़ लीजिए। साथ में ही 438 का सबसेक्शन 3 ये भी कहता है कि मान लीजिए अगर किसी मैजिस्ट्रेट को भी अरेस्ट वारंट इशू करना है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसको एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। बेलेबल वारंट का क्या मतलब है कि जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। वही बेल वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी आता है। ठीक है, यह भी 438(3) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को अगर अरेस्ट वारंट इशू करना है किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर है, तो मजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ बेलेबल वारंट इशू कर सकता है, नॉन बेलेबल नहीं कर सकता। बेलेबल वारंट में क्या होता है कि जैसे ही उसको अरेस्ट किया, उसको बता दिया जाएगा कि यह बेलेबल वारंट है, आप चाहे तो बेल ले सकते हैं वहीं की वहीं, और वो बेल ले लेगा और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट में अगेन उसका राइट नहीं बचता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन आ जाता है। तो एंटिसिपेटरी बेल का फायदा क्या हुआ? एंटिसिपेटरी बेल का फायदा यह हुआ कि मजिस्ट्रेट साहब अब नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं कर सकते। अगर उनको अरेस्ट भी करना है अक्यूज्ड को, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब को ये जानकारी ही, मजिस्ट्रेट साहब को मान लीजिए ए के अगेंस्ट वारंट इशू करना है अरेस्ट का, ए ने एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को ये जानकारी नहीं है कि ए के पास एंटिसिपेटरी बेल है, और मजिस्ट्रेट साहब ने इग्नोरेंस में नॉन बेलेबल वारंट जो था वो इशू कर दिया। अब क्या होगा? जैसे ही जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर होगा, जो इस वारंट को लेके जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो जैसे ही ए के पास जाएगा, तो ए बता देगा कि भैया मेरे पास तो एंटिसिपेटरी बेल है। अब ये एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर वहीं की वहीं उस नॉन बेलेबल वारंट को बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर देगा और इसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को दे देगा कि जनाब उसके पास एंटिसिपेटरी बेल थी, इसलिए दिस नॉन बेलेबल वारंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बेलेबल वारंट। और अगर वो अक्यूज्ड बेल देने के लिए तैयार है, तो वहीं की वहीं उसको बेल दे दी जाएगी। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, बेल, एंटिसिपेटरी बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको बेल का राइट हो गया। अब आपका बेल का राइट, आप तभी की तभी उससे बेल ले लीजिए। नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बेलेबल ऑफेंस। साथ में मजिस्ट्रेट भी अगर कोई अरेस्ट वारंट इशू करेगा, तो वो बेलेबल अरेस्ट वारंट कर सकता है, नॉन बेलेबल नहीं कर सकता। ठीक है, यहीं पर हमें साथ में समझना चाहिए कि स्टे ऑफ अरेस्ट और एंटिसिपेटरी बेल में क्या अंतर है। देखिए, एंटिसिपेटरी बेल में हमने ये कहा ना कि अरेस्ट से इम्यूनिटी नहीं है, अरेस्ट तो आदमी किया जा सकता है, लेकिन स्टे ऑफ अरेस्ट में क्या है, इम्यूनिटी जो है वो अरेस्ट से मिल जाती है। कि कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा, कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करेगा कि इस व्यक्ति को तब तक अरेस्ट ना किया जाए तब तक जब तक हमारा अगला ऑर्डर ना आ जाए। ये स्टे ऑफ अरेस्ट का प्रावधान आता है इनहेरेंट पावर्स में, सेक्शन 482 CRPC। लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टे ऑफ अरेस्ट एंड एंटिसिपेटरी बेल, तो आई होप दिस इज क्लियर। इन स्टे ऑफ अरेस्ट द इम्यूनिटी इज फ्रॉम द अरेस्ट, अरेस्ट ही नहीं होगा आदमी,
482 में ऑर्डर पास होगा, और एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है 438 में ऑर्डर पास होता है, इसमें अरेस्ट तो होगा लेकिन साथ के साथ बेल मिल जाएगी, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसमें भी अक्यूज्ड का राइट बन गया बेल का, नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ बेलेबल ऑफेंस। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है, एक सेकेंड यार क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने आपको बोला कि एंटिसिपेटरी बेल आप कहां पर लगा सकते हैं, एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन में भी लगा सकते हैं, तो देखा जाए तो इनकी कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, तो आप क्या सीधा हाई कोर्ट जाएंगे? अब मान लीजिए ए को एंटिसिपेटरी बेल लगानी है, वो सीधा हाई कोर्ट में अप्लाई कर देता है, तो इज इट अ गुड प्रैक्टिस? द आंसर टू दिस इज कि ठीक है, वी एग्री दैट हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन इज हैविंग कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन कन्वेंशन क्या बना हुआ है, कन्वेंशन ये बना हुआ है कि भैया आप पहले जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में अपनी एप्लीकेशन लगाओ, आप सीधे हाई कोर्ट मत आओ। ठीक है, हाई कोर्ट सुन सकता है, मान लिया आपकी बात कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन कन्वेंशन ये कहता है कि पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाइए, कोर्ट ऑफ सेशन में अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में आकर अपनी बेल एप्लीकेशन लगाइए, और फिर आप हाई कोर्ट में एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं, आप किस में आते हैं, कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में ही, आप अपील नहीं डाल रहे हैं, आप दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन इस मामले में लगा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह यहां पर भी कोर्ट ने एक स्कोप छोड़ा और कहा कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कोजेंट रीजंस दिए गए हैं कि भैया हाई कोर्ट में ही बेल ठीक रहेगी, तो हाई कोर्ट भी उसको डायरेक्टली इंटरटेन कर सकता है, अदरवाइज हाई कोर्ट आपको बोलेगा भैया पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाओ, अगर वहां पर रिजेक्ट होगी तो मैं इसको सुनूंगा। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजेंट रीजंस हैं जिससे कि हाँ भैया बिल्कुल हाई कोर्ट को ही सुनना चाहिए, कुछ मामला इस तरीके का है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और वो केस टू केस डिपेंड करेगा कि वो कॉजेंट रीजंस हैं या नहीं है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन और कहां पर सबसे पहले एप्लीकेशन लगाएंगे, ये सारी बातें चर्चा की गई थी। मैं केस बता देता हूं आपको, अंकित भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, 2020 इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिस नॉट अ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट्स एन इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन, लेटेस्ट डिसीजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो प्लीज आई होप दिस इज क्लियर कि वो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन फिर भी आप पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे, सीधा हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट तब जाओगे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉजेंट रीजंस हो। अगला सवाल ये बनता है कि एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल कौन कर सकता है? कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है, सेक्शन 439(2)A कहता है कि बेल को कैंसिल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कर सकता है, हालांकि बेल को मजिस्ट्रेट भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन 439(2) क्या कहता है, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। मजिस्ट्रेट कब करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंटिसिपेटरी बेल को सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही कैंसिल कर सकता है अंडर सेक्शन 439(2). देखिए, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने बेल ग्रांट की थी तो कौन कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है जिसने बेल ग्रांट की, और क्योंकि हाई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट है तो हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर बेल ग्रांट की थी हाई कोर्ट ने तो सिर्फ हाई कोर्ट ही उसको कैंसिल कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, अब हम करते हैं गुरबख्श सिंह सिबिया की जजमेंट। देखिए, इस पूरे एंटिसिपेटरी बेल के मामले में जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट चलती आ रही थी वो थी गुरबख्श सिंह सिबिया, वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के अलग अलग पहलू क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई, उन सब पॉइंटर्स को आप देख लेते हैं। ये पॉइंटर्स मैंने आपको नोट्स में भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर अभी मैं इनको सिर्फ माइन्यूट सा डिस्कस करूंगा, बाकी आप नोट से चेक कर सकते हैं।
इसमें एक चीज़ है, 5 जज बेंच था और जजमेंट डिलीवर की थी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर वाई वी चंद्रचूड़ सीजे, वो चीफ जस्टिस थे उस समय। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए वो हम चेक कर लेते हैं। पहली बात ये कही गई कि जो एंटिसिपेटरी बेल है वो प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और जो रेगुलर बेल है वो क्या है, पोस्ट अरेस्ट। अगर एक बार आप अरेस्ट हो गए तो आपको रेगुलर बेल ही अप्लाई करनी पड़ेगी, एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग है। वैसे इसमें ना कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। आई हैव गिवन ऑल द पॉइंटर्स इन द नोट्स, आप ये पॉइंटर्स नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मे आस्क मी, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, तो आप पॉइंटर्स नोट्स में से डायरेक्ट कर लीजिएगा। मैं कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें उन पे आ जाता हूँ, अब जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो मेन इशू आता है एंटिसिपेटरी बेल में वो ये आया कि एंटिसिपेटरी बेल का ड्यूरेशन कितना होगा। भाई मान लीजिए आज एंटिसिपेटरी बेल आपको मिली है, तो क्या वो किस लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रहेगी या वो अनलिमिटेड ड्यूरेशन तक, जब तक आपका ट्रायल चलेगा तब तक रहेगी। क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि ट्रायल के चलने तक वो आपको एंटिसिपेटरी बेल दे दे, कैन इट बी गिवन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इस सवाल को देखने के लिए हमें अलग अलग जजमेंट्स में जाना पड़ेगा, तो देखते हैं कि कौन कौन सी जजमेंट्स इसमें हमें डिस्कस करनी है। एक काम करता हूं, मैं एक बार जजमेंट्स लिख लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। शायद मेरे पास लिखी हुई है, एक मिनट मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, एक सेकेंड। हाँ जी ये मिल गया। तो सबसे पहले ना ये मुद्दा आया कि एक एंटिसिपेटरी बेल का पीरियड कितना हो सकता है, ये मुद्दा आया सबसे पहले गुरबख्श सिंह सिबिया में, और गुरबख्श सिंह सिबिया ने इसको क्लियर किया कि भैया ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा, कोर्ट चाहे तो लिमिटेड पीरियड के लिए भी दे सकता है और कोर्ट चाहे तो अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी दे सकता है, तब तक आपका ट्रायल चलेगा तब तक आप एंटिसिपेटरी बेल पर रह सकते हैं, ठीक है। तो गुरबख्श सिंह सिबिया जो कि 5 जज बेंच थी उसने ये पॉइंट क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बाद 2005 का जजमेंट आता है जो कि सिर्फ 2 जज बेंच था, अदरी धरनदास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, और इस जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखा जाए तो एक 2 जज बेंच जजमेंट ने 5 जज बेंच की बात को नकारते हुए उसका बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दे दिया कि एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए, पर्सन नहीं है सॉरी पीरियड है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए ये एंटिसिपेटरी बेल नहीं हो सकती। फिर 2010 में जजमेंट आती है सीताराम सतलिंगप्पा महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी 2 जज बेंच जजमेंट थी, और इसमें ये कहा गया कि अदरी धरनदास में जो लॉ सेटल किया गया है वो ठीक नहीं है और वो पर इनक्यूरियम है, जो अदरी धरनदास की जजमेंट है वो पर, मैं सही हैंडराइटिंग लिख देता हूँ, पर इनक्यूरियम का मतलब है कि एक ऐसी जजमेंट जो लार्जर बेंच के डिसीजन को नकारते हुए स्मॉलर बेंच ने दी है, विच इज नॉट गुड इन लॉ। तो इन्होंने सीताराम में फिर से ये बात कह दी गई कि ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है। फिर मामला खिंच के आता है 2018 में, और सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 3 जज बेंच थी, इसमें ये मामला रेफर कर दिया गया सीजे को कि भैया इसमें एक लार्जर बेंच बनाकर आप इस इशू को सेटल कीजिए कि ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि गुरबख्श सिंह सिबिया की जजमेंट वॉज एन ओल्ड जजमेंट। तो अब 2018 में इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, तो इस 3 जज बेंच में ये बात सीजे को भेजी, सीजे ने नया बेंच रेफर किया, लार्जर बेंच को रेफर किया, और फाइनली 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 सुप्रीम कोर्ट 2020 में इसकी जजमेंट आई, और इन्होंने ये बात कैटेगोरिकली क्लियर कर दी कि एंटिसिपेटरी बेल अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी दी जा सकती है। अनलिमिटेड पीरियड का कहने का क्या मतलब है, टिल द टाइम ट्रायल इज कंक्लूडेड। देखिए यहां पर एंटिसिपेटरी बेल हुई है, यहां पर आपके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो गए और ये आपकी ट्रायल चल रही है और ट्रायल यहां तक चली है, तो
तो अब मुद्दा ये था कि एंटिसिपेटरी बेल कब तक रहेगी भाई, या तो उसमें टाइम दे रखा, मान लीजिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए टाइम दे दिया कि चार्ज फ्रेम होने तक, उसमें बेल में ही लिख दिया कि चार्ज फ्रेम होने तक हम आपको एंटिसिपेटरी बेल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका इतना आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। अगर उसके बाद पुलिस अरेस्ट करना चाहे या कोर्ट ऑर्डर करे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और एक उसमें दे दिया कि जब तक ट्रायल कॉन्क्लूड ना हो जाए, ये अनलिमिटेड पीरियड हो गया, ठीक है, तो ये इसमें डिसाइड हो गया कि भैया ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है। ये नहीं है कि जैसे ही चार्ज फ्रेम हुए आपको अरेस्ट कर लेंगे या पुलिस ने समन कर लिया आपको अरेस्ट कर लेंगे, नहीं, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो इसमें कॉन्क्लूडिंग बात यह है कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो एंटिसिपेटरी बेल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देते हैं या वो एंटिसिपेटरी बेल अनलिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, जिसका मतलब ट्रायल के कॉन्क्लूजन तक आपको वो एंटिसिपेटरी बेल दे देते हैं, ठीक है जी। तो सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट केस है 2020 का। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें तो ओके, आप हो सकता है आप इतनी जजमेंट्स ना याद कर पाए और बहुत सारी और जजमेंट्स इंपॉर्टेंट करनी होती है, तो मेरा आपसे कहना ये है आप ये कर सकते हैं कि आप ये दोनों जजमेंट्स गुरबख्श और सुशीला अग्रवाल 2020, इन दो जजमेंट्स को आप याद कर लीजिए, ठीक है। आप सुशीला अग्रवाल में ये कहिए, जब भी ये सवाल आए आपके सामने तो सुशीला अग्रवाल वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 का जिक्र करते हुए आप ये कहिए कि भैया जो बात गुरबख्श सिंह सिबिया में कही गई थी वही बात सुशीला अग्रवाल में रिपीट की गई, उन्हीं बातों को कोर्ट ने ठीक माना, उन्हीं बातों को कोर्ट ने रिट्रीट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये दो जजमेंट्स करनी है, जो बीच की कहानी है ये टू जज बेंच और ये जितना भी गड़बड़ झोला हुआ है ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सीक्वेंस बताया है। आप सिर्फ गुरबख्श सिंह सिबिया और सुशीला अग्रवाल वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली को याद कर लीजिए, पर ये दोनों आपको जरूर याद करनी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको लिखना है कि सुशीला अग्रवाल का जिक्र करके आप ये कहेंगे कि गुरबख्श सिंह सिबिया में भी यही सब बातें की गई थी, उसी को सुशीला अग्रवाल में दोबारा से रिट्रीट किया गया है, ठीक है। तो देखिए अब सुशीला अग्रवाल के कुछ और मेजर पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि सुशीला अग्रवाल की जजमेंट में और क्या क्या बातें कही गई थी। सबसे पहली बात वही बात कही गई कि ए बी एप्लीकेशन शैल बी बेस्ड अपॉन सम कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड इट शैल नॉट बी बेस्ड अपॉन एनी वेग और जनरल एलिगेशन। भैया कुछ कॉन्क्रीट फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास कि मेरा ऐसे ऐसे रीजनेबल एप्रीहेंशन, जो मैंने आपको बोला था कि मेरे पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि मेरे पास मेरा अरेस्ट होने वाला है। ऐसे नहीं कि आप सीधे कोर्ट में चले गए, एप्लीकेशन लगा दिए एंटिसिपेटरी बेल की और आपके पास जो रीजंस हैं वो वेग हैं, उसमें कुछ रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं आपकी मानी जाएगी। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल द कोर्ट शैल लुक इन टू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड ऑल्सो द अपेरेंट रोल ऑफ द एप्लीकेंट इन द ऑफेंस एज वेल एज अदर फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने देखा था कि कंसिडरेशन क्या होंगी तो हमने ये कहा था कि हम उसका एंटीसीडेंट्स देखेंगे, ग्रेविटी देखेंगे, ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, तो यही बात दोबारा से सुशीला अग्रवाल वाली जजमेंट में कोर्ट ने कही। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ए बी कैनॉट बी ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर एनी केस दैट मे अराइज इन फ्यूचर, इट हैज टू बी ग्रांटेड इन अ पर्टिकुलर केस। देखिए जब आप एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं तो आप कह रहे हैं जी मेरा अरेस्ट हो सकता है और अरेस्ट का एप्रीहेंशन है, तो वो अरेस्ट एक पर्टिकुलर केस में होना चाहिए, केस वन। ऐसा नहीं कि आपको एंटिसिपेटरी बेल तो मिली है केस वन में और आपको कल पुलिस केस टू में अगर गिरफ्तार करने आती है तो यहां पर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो जो एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी वो किसी पर्टिकुलर केस में मिलेगी, वो ब्लैंकेट बचाव नहीं है कि आगे से आपके अगेंस्ट कोई भी अगर अरेस्ट होगा तो उसमें आपको नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, जिस पर्टिकुलर केस में आपको एंटिसिपेटरी बेल मिली है उसी पर्टिकुलर केस में आपका बचाव है, अगर किसी दूसरे केस में आपका अरेस्ट हो रहा है तो आपका बचाव नहीं है, तो पर्टिकुलर केस में ही आपको बचाव देगा। अगला पॉइंट देखते हैं, द फैक्ट दैट ए बी हैज बीन ग्रांटेड पर से डज नॉट इफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केस, रेदर द अक्यूज्ड हैज टू पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। देखिए अब अक्यूज ने तो एंटिसिपेटरी बेल ले ली लेकिन पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल में ये कंडीशन रखी जाती है और ये हमने देखी थी कि भैया जब भी पुलिस आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाएगी, सवाल जवाब करने के लिए बुलाएगी, तो आप थाने जाएंगे और वहां पर जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सवालों का उत्तर देंगे। अगर आप उसमें कुछ आनाकानी करते हो, अगर आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहे हो,
439(2) की एप्लीकेशन लगेगी। 439(2) क्या था? कैंसिलेशन ऑफ बेल। तो फिर आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि जो कंडीशन थी बेल की, एंटिसिपेटरी बेल की, कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, इंटरोगेशन के लिए बुलाएंगे तो जाएंगे, आप वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा? कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो बेल कैंसिल होगी, और बेल कैंसिल होने के लिए 439(2) की एप्लीकेशन लगा दी जाएगी। ठीक है जी, अगली बात जो इसमें डिस्कस की गई जजमेंट में वो थी, मान लीजिए जब पहले आपने बेल ली है, आपको एंटिसिपेटरी जो बेल मिली है पहले, वो कुछ ऐसे कंसिडरेशन पे मिली है जो कि अब चेंज हो गए हैं। एक सेकेंड, मैं बताता हूं। हाँ जी, सॉरी, कुछ मेटीरियल फैक्ट्स थे या सर्कमस्टांसेस थे जो कि आपसे उस समय छुपाए गए कोर्ट से, और जिनकी छुपने से कोर्ट ने उसको एंटिसिपेटरी बेल दे दी। तो अब क्या है, अब आप जब अगेंस्ट इस ऑर्डर के अगेंस्ट गए हैं तो ये ऑर्डर सेटिंग असाइड कर दिया है। ठीक है, दी एंटिसिपेटरी बेल हैज बीन सेट असाइड। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड सेटिंग असाइड ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल क्या था? कैंसिलेशन ऑफ बेल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब बेल मिलने के बाद अक्यूज्ड, जिसको बेल मिली है, वो कोई वॉयलेशन कर दे किसी भी प्रोविजन का, कंडीशन का। ठीक है, कोई कंडीशन आपने अगर वॉयलेट कर दी तो आपका कैंसिलेशन ऑफ बेल हो जाएगा। लेकिन सेटिंग असाइड ऑफ बेल क्या है? क्योंकि पहली बेल गलत दी गई थी, वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं था, इसलिए आपकी बेल को हम सेट असाइड कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैंसिलेशन ऑफ बेल एंड सेटिंग असाइड ऑफ बेल। कैंसिलेशन का बेसिस होता है कि अक्यूज्ड ने कोई कंडीशन को वॉयलेट कर दिया, कोई कंडीशन तोड़ दी जिस कंडीशन पे बेल मिली थी, और सेटिंग असाइड का बेस है कि पहले वाला जो बेल का ऑर्डर था वो प्रॉपर नहीं था, क्योंकि उसमें कोई मेटीरियल फैक्ट छुपाया गया, कोई कंसिडरेशन छुपाई गई जो कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन थी, तो इसलिए हम आपका सेट असाइड करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे जो सुशीला अग्रवाल में डिस्कस किया गया। अगला पॉइंट ये डिस्कस किया गया कि मान लीजिए जब हम सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में डिस्कवरी करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति कस्टडी में होना चाहिए। अब क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल मिलने के बाद व्यक्ति कस्टडी में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे ही उसका अरेस्ट हुआ उसने बेल दे दी, बेल देते ही उसको कस्टडी से रिलीज करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए पुलिस उसको किसी डिस्कवरी के लिए लेके जाना चाहती है, उसने अक्यूज ने बता दिया कि भैया मैंने जो वेपन था वो उस पेड़ के नीचे छुपा रखा है। ठीक है, अब पुलिस उसको उस वेपन की रिकवरी के लिए लेके जाएगी, लेकिन सेक्शन 27 तो ये कहता है कि वो कस्टडी में होना चाहिए, लेकिन अभी तो कस्टडी में है ही नहीं, तो अब पुलिस क्या करे? क्या पुलिस उसको अरेस्ट करे और फिर यहां पर लेके जाए ताकि वो सेक्शन 27 में आ जाए? लेकिन अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, जैसे ही अरेस्ट करेगी वो बेल दे देगा और यहां पर पुलिस उसे लेके ही नहीं जा सकती। तो इसका सॉल्यूशन सुशीला अग्रवाल में कहा गया कि अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है एंटिसिपेटरी बेल पे, तो एंटिसिपेटरी बेल पर रहने दो, लेकिन अगर उसको आप डिस्क्लोजर डिस्कवरी के लिए लेके जाते हो साइट पर और 27 में कोई डिस्कवरी होती है तो हम इसको डीम्ड कस्टडी मान लेंगे। बिना अरेस्ट किए भी हम मान लेंगे कि वो डीम्ड कस्टडी थी और सेक्शन 27 उस पर अप्लाई होगा। सेक्शन 27 अप्लाई होने में कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला मुद्दा यह है कि क्या सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल लगाई जा सकती है? सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है, मान लीजिए आपको यहां पर एंटिसिपेटरी बेल मिली और आपका टाइम पीरियड यहां तक का था, तो ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आप दोबारा से एंटिसिपेटरी बेल लगा सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। लेकिन मान लीजिए लगा दी तो कोशिश कीजिए कि वही कोर्ट सुने जिस कोर्ट ने पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल दी थी, अगर वो कोर्ट अवेलेबल है। अवेलेबल से मतलब है कि उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है या वो दूसरी जगह नहीं गए हैं तो, और ही स्टिल इन सर्विसेज, ही इज स्टिल लिविंग, तो वही कोर्ट आपकी उस एंटिसिपेटरी बेल को
सुने जिसने पहले आपको एंटिसिपेटरी बेल सुनकर बेल दी थी. वैसे इट इज जनरली सेड कि सच सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल शैल नॉट बी फाइल्ड. लेकिन अब ये तो फाइल नहीं हो सकती, तो अब अक्यूज क्या करेगा? अक्यूज भैया जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा, अब देखिए अरेस्ट मान लीजिए पुलिस ही अरेस्ट नहीं कर रही उसे, उसका टाइम पीरियड यहाँ तक था, ये टाइम पीरियड यहाँ तक होने के बाद अब पुलिस उसे अरेस्ट ही नहीं कर रही, तो ठीक है भाई अरेस्ट ही से तो बचना था ना. लेकिन मान लीजिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, अब उसके पास क्या ऑप्शन है? वो रेगुलर बेल अप्लाई करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट से पहले हो सकता है. जैसे ही आपको अरेस्ट कर लिया गया, ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज रेगुलर बेल, और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती. उसके बाद अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आप रेगुलर बेल लगाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लगा दी गई है तो कोशिश कीजिए कि वही कोर्ट उस बेल की सुनवाई करे. दूसरा, अच्छा ये बात कही गई नरेश कुमार वर्सेस नरेंद्र यादव 2007 सुप्रीम कोर्ट. अगली बात पे चलते हैं. अगली बात ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जानी चाहिए. प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 82 एंड ऑल आप वहां से पढ़ेंगे, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू. आई विल ओनली टेल कि अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जानी चाहिए. एंड दिस वॉज हेल्ड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज प्रदीप शर्मा 2015 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है जी, चलिए अगला टॉपिक ये कहता है, मतलब अगला सवाल ये कहता है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने सेक्शन 482 में एप्लीकेशन लगाई स्टे ऑफ अरेस्ट. मैंने आपको बताया था स्टे ऑफ अरेस्ट क्या होता है, जिसमें आप अरेस्ट को ही स्टे करा देते हैं, अरेस्ट से ही आप इंजंक्शन ले लेते हैं अरेस्ट के अगेंस्ट. लेकिन ये एप्लीकेशन जो थी वो रिजेक्ट हो गई. अब मिस्टर एक्स जाते हैं और सेक्शन 438 की एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो क्या इस रिजेक्शन का इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? दी आंसर इज नो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. 438 की एप्लीकेशन को कोर्ट अपने पहलुओं पे मेरिट पे कंसिडर करे, उसके जो भी कंसिडरेशन उस पे कंसिडर करे, लेकिन 482 की क्योंकि उसका स्टे ऑफ अरेस्ट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उस रिजेक्शन का 438 की एप्लीकेशन पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा. प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि साहब इनका तो स्टे ऑफ अरेस्ट भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था. नो, 438 में अब उस पर्टिकुलर केस की मेरिट्स पे फैसला होगा कि भैया उसको एंटिसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए. ठीक है, अगली बात यह है कि पी चिदम्बरम वर्सेस एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम वर्सेस सीबीआई 2019 दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जो बड़े बड़े मामले हैं, करप्शन के मामले हैं, उन हाई प्रोफाइल मामलों में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए. और साथ में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया कि कृपया आप अमेंडमेंट करके ये बात 438 में ही जोड़ दीजिए कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे उनमें आप बेल एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते. जिस तरीके से हमने देखा था ना 376 ए डी ए और इन सब सेक्शंस में बार है. 438 का सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि इन सबसेक्शंस में बार है कि आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती. इसी तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस भी 438(4) में जोड़ दिए जाए और यहां पर भी पार्लियामेंट ये प्रावधान बनाए. ठीक है, अगली बात पर आते हैं. यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का सीन क्या है वो मैं आपसे बस 2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूं, देन इट विल बी द एंड ऑफ द टॉपिक. देखिए हुआ क्या, 1973 में एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान जोड़ा गया जब 1973 का एक्ट आया, लेकिन 1976 में यूपी ने अपनी स्टेट अमेंडमेंट करते हुए एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट हटा दिया, क्योंकि सीआरपीसी में स्टेट अमेंडमेंट्स कर सकता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. तो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए यूपी ने अमेंडमेंट किया, यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी असेंबली ने, और एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन को हटा दिया. उन्होंने फंडा ये दिया कि यार इतना क्राइम है और इस एंटिसिपेटरी बेल का ना मिसयूज हो रहा है. ठीक है, तो यूपी में एंटिसिपेटरी बेल का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं. तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि सेम डे ट्रायल,
ये था कि आप सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगाओ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ऑर्डर ये करेगा कि भैया जब भी मजिस्ट्रेट के सामने ये व्यक्ति रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाए तो मजिस्ट्रेट को उसी दिन सेम डे उस बेल पर डिसीजन लेना है। उदाहरण के तौर पर ए हैं, इनको लग रहा है कि इनका अरेस्ट होने वाला है, तो क्योंकि अब एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन यूपी में है ही नहीं, यूपी में अगर आप अरेस्ट करते हो तो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए, एक नया जुडिशियल इन्वेंशन हुआ और वो हुआ कि 482 की एप्लीकेशन लगाओ आप, इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट के पास है, और 482 में आप कोर्ट से प्रेयर करो कि भैया जब भी मैं रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन लगाऊं मजिस्ट्रेट के पास तो वो मजिस्ट्रेट उसी दिन सेम डे मेरी बेल पर फैसला ले ले। तो 482 में हाई कोर्ट ऑर्डर करता था मजिस्ट्रेट को कि जब भी ये व्यक्ति रेगुलर बेल लगाए, रेगुलर बेल कब लगेगी, अरेस्ट होने के बाद रेगुलर बेल लगाए तो इसकी बेल पर सेम डे फैसला लें, और अगर इसकी बेल की कंसिडरेशन होती हैं तो इसको बेल दे दी जाए। लेकिन हुआ क्या, ये 1976 से चलता आ रहा था, 2009 में जो लॉ कमीशन था, स्टेट लॉ कमीशन, उसने रिकमेंडेशन दी कि एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन को फिर से स्टैट्यूट में जोड़ा जाए और वो यूपी में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए, और फिर फाइनली 6 जून 2019 को एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन दोबारा से यूपी के हिसाब से जोड़ दिया गया। अब यूपी में भी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लग सकती है। विद दिस आई एंड द टॉपिक ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, और अगले एपिसोड में मिलते हैं, रेगुलर बेल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।